ये लखनऊ के 5 विधानसभाओं की सीट से जोड़ता है मोहन लालगंज। हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि अंधे की चौकी है, काफी मशहूर है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन अलायंस को लेकर के यहाँ पे लगातार मीटिंगें चल रही हैं। अखिलेश यादव के आने की संभावना है, साथ ही अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी भी आने की यहाँ पे तैयारी में है। हालांकि अभी पता नहीं लगा यहाँ पे कौन कौन आ रहा है या कौन कौन आ चुका है। लगातार हम आपको लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए पुलिस वाले किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे तैनात हैं। यहाँ पे गाड़ियों का जमावड़ा है, यहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं क्योंकि ये मेन हाईवे हरदोई का रोड जाता है। लेकिन आज जिस प्रकार से लग रहा है कि लोग इकट्ठा हुए, इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठा है, तो देश को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं या अखिलेश यादव को आगे बढ़ाने के लिए? अखिलेश यादव को आगे बढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं। तो अखिलेश यादव को क्यों आगे बढ़ाने के लिए? वो तो विपक्षी पार्टी है बीजेपी की नजर में। अखिलेश यादव से अच्छा कोई काम ही नहीं करता है। देश का संविधान जो चलाएगा वो अखिलेश यादव ही चलाएगा। आप संविधान बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं या अखिलेश यादव को बढ़ाने के लिए? अखिलेश यादव को बढ़ाएंगे। संविधान की कहाँ बात आ गई? संविधान को भी वो लेके चलेगा ना साथ में। संविधान को तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल भी लेके चलेगा। अखिलेश यादव लेके चलेगा। मेन मुखिया, मेन नेता जो है हमारा वो अखिलेश यादव है। बताया जाए कि राहुल गांधी मेन मुखिया? दोनों, अब गठबंधन हो गया तो दोनों है, वरना अखिलेश यादव है अपना। गठबंधन की सरकार आ जाती है तो आप लोग किसको चाहते कि प्रधानमंत्री बनाया जाए? अखिलेश यादव को चाहेंगे। अच्छा, क्यों चाहेंगे? अखिलेश यादव काम कर रहा है हम लोगों के लिए। काम तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी भी कर रहे हैं। हमारी पार्टी है समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी को हम बढ़ चढ़ कर वोट देंगे। और बीजेपी अगर सत्ता में आ गई? नहीं देंगे। बीजेपी को सत्ता में आएगी तो देखा जाएगा फिर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईशान अंसारी। आपको सर पता नहीं है संविधान बचाओ के लिए भी काम चल रहा है? संविधान खत्म कर दिया जाएगा और आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा? संविधान चला रहा है वो कोई नहीं चला पाएगा। बीजेपी अगर हुकूमत में आगे संविधान छीन लिया जाएगा, आप कहाँ जाएंगे? जब आएगी जब देखा जाएगा। ये लागू हो जाएगा आपके ऊपर? जब आएगी जब देखा जाएगा। कैंप में डाल दिए जाओगे तुम? नहीं डाल पाएंगे। नहीं डाल पाएंगे। बस यही बात चल रही थी कि अखिलेश यादव क्या जेल नहीं जा सकते हैं? तो अखिलेश यादव के ऊपर कोई मुकदमा थोड़ी है। अखिलेश यादव बोल तो रहे, सारी चीजें बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, बस सरकार बनाना है बस। केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अब बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने वाली है। बिल्कुल, बीजेपी जाने वाली है भैया। इंडिया गठबंधन आने वाला है, बीजेपी जाने वाली है, इंडिया गठबंधन आने वाला है। सबका साथ सबका विकास, बीजेपी का मजबूत नारा है। तो क्या लगता है सबका साथ सबका साथ विकास? सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा भैया, इसीलिए तो जाएगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव हो रहा है, संविधान बचाओ को लेकर के देश में ज्यादा चर्चा हो रही है, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय? जाहिर सी बात है कि मतलब इस समय तो सपा के अलावा कोई मसला ही नहीं। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टियों को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश। अपनी सोच है अपने, वो जीत रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश यादव की क्या तैयारी है आगे की? आगे सारी उनको पहुँचाना बचाना है। बीजेपी अगर हुकूमत में आ जाती है, सरकार बना ले जाती है, तो पार्टियों को खत्म कर दिया जाएगा? इलेक्शन नहीं होगा और वो ये इलेक्शन नहीं होगा, ये संविधान खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जो लोग इकट्ठा हुए समाजवादी पार्टी के लोग, वो अखिलेश यादव के लिए इकट्ठा हुए हैं या संविधान बचाने के लिए इकट्ठा हुए? संविधान बचाने के लिए। संविधान बचाने के लिए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह है ना आप लोगों को? बिल्कुल परवाह है। तो जरूरत पड़ेगी और क्या करेंगे आप लोग इसके आगे? इसके आगे संविधान बचाएंगे समाजवादी को ला करके। हिंदू राष्ट्र हित की बात की जाती, एक राज एक राजा, ये हिंदुस्तान है, सबका रहने का अधिकार है। जो कुर्बानियां हमारे पुरखों ने दिया है शायद ही कोई देगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हमारे पूर्वजों ने किया था, महाराणा प्रताप आए थे, उन्होंने तमाम जंगे लड़ी। मुसलमानों की तो सबसे ज्यादा मुसलमान शहीद हुए। तो मुसलमानों को खूंखार बताते हैं? खूंखार तुमने बताते हैं, उनको मालूम नहीं। अब तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहने लगे मुसलमानों का अल्फा जुबान पर नाम ना, उनको को पता नहीं है। हमें समझ में ये नहीं आता कि मुस्लिम हुक्मरानों की जब हुकूमत थी, उन लोगों ने भी देश हित के लिए अपनी जाने दी है, आखिर मुसलमानों का कहीं नाम क्यों नहीं आता? तो वो लाल किले तो वो देखते नहीं है, उसने
कितना शहीद हुआ आदमी हमारा है, उनकी नहीं समझ में आ रहा। और आरक्षण भी छीना जा रहा, पूरी तरह छीन लिया जाएगा। इनने का अपने बकने के बकने ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, इसके बाद वही हाल होएगा। अगर ये बेईमानी से ईवीएम से जीत भी लिए तो वही हाल होएगा जो वहाँ हो रहा है। आपको क्या लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आती है, क्या देश एक ऐसे माहौल की तरफ बढ़ेगा? रहेगा नहीं, बगावत पैदा हो जाएगी, बगावत पैदा होगी। अब तो ऐसे तो बीजेपी के लोगों ने तैयारी कर ली है, वो मुफ्ती के लोग है तैयारी करने में। अच्छा चाचा, एक बहुत सिंपल सवाल है आपसे, विकास विकास तो होना चाहिए, विकास कोई करीबे नहीं किन साल में तनको नहीं किन। राजीव गांधी जब हुकूमत में थे तो राजीव गांधी ने कहा था देश को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी कमजोर नहीं होने देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो प्रधानमंत्री है, वो लगातार ये कुछ नहीं किए 10 साल में, कुछ नहीं किए, बाकी हमारी तो रकम छीन के विदेश बटाई थी, कुछ नहीं किए। अच्छा, क्या क्या लगता है राहुल गांधी अगर आ जाएंगे तो देश थोड़ा संभल जाएगा? हाँ संभल जाइए, गारंटी है बात की संभल जाइए। तो बीजेपी का तो अच्छा खासा अनुभव होगा, क्यों छोड़ के आ गया बीजेपी? इसलिए कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है और आपको पसंद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात करना ही नहीं चाहिए, एक इंसान की बात करना चाहिए, इंसानियत की बात करना चाहिए, इंसान की बात करना चाहिए। हम भी बीजेपी में थे, हमेशा रहे, मसाल के टाइम से रहे हम, लेकिन अब हम ये हिंदू मुस्लिम तो इससे दूरी बन गई अपने आप, क्योंकि ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं, कहीं बोला जाता है गोली मारो गोली मारो, कहीं बोला जाता है कि मतलब मुसलमान गद्दार है, मस्जिद मंदिर के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं। अच्छा, एक नारा ये भी गूंज रहा है आरएसएस और बीजेपी की तरफ से मुसलमानों के लिए, मुसलमान मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, कि हिंदुस्तान में रहना या तो राम राम कहना होगा या तो पाकिस्तान जाना होगा। ये देखो, किसी के स्वाभिमान को बदलना नहीं चाहिए, अगर ऐसा वो उनकी सोच है तो बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। हमारे साथ देखिए अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, देखिए बहुत बहुत उम्दा बात करने वाले हैं, देश हित के बारे में आज बात की जाएगी। चाय पे चर्चा, ये रखी है चाय और ये साथ में बैठे चाचा हमारे, आप बताइए, आप देश हित में इतनी बेहतरीन अभी आप बात कर रहे थे तो क्या कहना चाहते हैं आप, संदेश दीजिए देश की जनता को। अब आपको बता दें, देश उस हालात में जूझ रहा है जो भविष्य में कभी 70 साल में नहीं जूझा, ये जो 10 साल में जो हालात पैदा हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से, जो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में जितना हो गया वो आज अपना सब बेचने पे तैयार है। इन्होंने कुछ बनाया ही नहीं, इन्होंने कुछ बनाया ही नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश की जनता इतनी सीधी है, इतनी भोली है कि 5 किलो राशन पे वो छलांगे मार रही, 5 किलो राशन की वजह से जो आज उत्तर प्रदेश में जो हाहाकार मचा है, आज अब जो गठबंधन बना है, गठबंधन के हिसाब से जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की 150 सीटें आना मुश्किल हो जाएंगी, जो हिसाब से गठबंधन मेहनत कर रहा है। संविधान को नहीं बदला जा रहा था 70 साल में, आज 10 साल में नौबत आ गई संविधान को बदला जा रहा। कांग्रेस के जमाने में राशन मिलता था, इंदिरा आवास कॉलोनी आती थी, रोडे बनती थी, हाईवे बनते थे, कांग्रेस के जमाने में भी बन रहे है, और जो 10 साल में भुखमरी आई है हर आदमी बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल में जो कुछ नहीं करना चाहिए वो करके दिखा दी। अच्छा, आपको लगता है जब पेट खाली होगा, रोजगार होगा नहीं, तो क्राइम भी होता है, चोरी भी होती है, बलात्कार भी किया जाता है, अपराध बढ़ता है? अपराध इसी से बढ़ रहा है जो भुखमरी है। अगर अब की भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट आ गई तो रोडों पे थैले छीने जाएंगे, जो राशन 5 किलो लेके जाएगा वो छीन लिया जाएगा, ये हालात आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि अपराध मुक्त भारत बनाने की ओर चल रहा है। ऐसा है जो जब खुद के ऊपर 18-20 मुकदमे उनके ऊपर खुद ही थे, वो अपने कब साफ कर लिए तो दूसरे क्या बताएंगे यार। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका विनाश होगा। और संविधान, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया लिखा है उसका पोस्टमार्टम हो रहा, और जो हालात है अब की भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट केंद्र में आ गई तो ये संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान जब खत्म हो जाएगा तो आप वोट देने के लायक नहीं बचेंगे। इसका एक आरएसएस का एजेंडा, आरएसएस के एजेंडे पे ही भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट चल रही है। इनका एजेंडा है कि हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र बाबा कैसे तुम बना लोगे भाई,
कैसे बना लोगे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सब कौमे हैं, कैसे बना लोगे? इनका एक ही मिशन है हिंदू राष्ट्र बनाना, और इसी पे से वोट मिल रहा बीजेपी को, बीजेपी को वोट मिल रहा। अब ये मंदिर मस्जिद जहाँ पर, अब बताइए प्रधानमंत्री एक मंगलसूत्र वाली भाषा बोल रहा है, कितनी मतलब अजीब गरीब भाषा है। प्रधानमंत्री है देश का, मनमोहन सिंह ने 10 साल में 117 कॉन्फ्रेंस की है, नरेंद्र मोदी जी ने 0 है, एक कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा कॉन्फ्रेंस में करने का मतलब है कि पत्रकार सवाल पूछेंगे कि गरीबी कहाँ है, गरीबी कितनी चल रही है, जो हालात पैदा हो रहे हैं भाई, ऊपर वाला जल्दी इसका निस्तारा करे वरना भुखमरी शिकार बहुत लोग भूखों मर जाएंगे।